हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बोर्ड की वायरिंग कैसे करें। तो दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप हम आप लोगों को बताएंगे कि बोर्ड की वायरिंग कैसे करें। तो पूरी वीडियो में बने रहिए। मैं हूं शंकर यादव और आप लोग देख रहे हैं शंकर यादव ऑफिशियल। जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन घंटी को ऑल कर दे, जब भी हम नई वीडियो बनाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक इंडिकेटर और पांच स्विच और थ्री पिन, दो सॉकेट, एक होल्डर। तो दोस्तों, पूरी वायरिंग हम सीखेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए। स्टेप बाय स्टेप आप लोग को हम बताने वाले हैं कि कैसे इसकी वायरिंग की जाती है। तो चलिए, बोर्ड को हम उल्टा कर लेते हैं इस साइड। अब यहाँ पर हम एक छोटा टुकड़ा वायर ले लेंगे। इससे पहले हम ये समझ लेंगे कि स्विच जो हमारे 5 एम्पियर की स्विच होती है, इसमें दो टर्मिनल होती है, एक इनपुट एक आउटपुट, एक इनपुट एक आउटपुट, इसमें दो टर्मिनल होती है। और जो हमारी थ्री पिन सॉकेट होती है, इसमें तीन टर्मिनल होती है, एक अर्थिंग और एक फेस और एक न्यूटन। तो आप लोगों को टर्मिनल समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह हमारा जो इंडिकेटर है, इसमें दो टर्मिनल होती है, एक में न्यूटन फेस, एक में न्यूटन कनेक्ट करते हैं और एक में फेस कनेक्ट करते हैं। लेकिन इसमें आउटपुट इनपुट नहीं होती है, आउटपुट इनपुट सिर्फ हमारी स्विच में होती है। आप लोगों को इतना ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम आउटपुट और इनपुट जो है, इसमें से इनपुट की वायरिंग करेंगे। इनपुट की वायरिंग जो है स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे, और आउटपुट की वायरिंग जो है स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से कनेक्ट होकर होती है। तो चलिए, अब यहाँ पर हम एक छोटा टुकड़ा वायर ले लेंगे। आप लोग देख सकते हैं, ये छोटा टुकड़ा वायर हम पहले से ऑलरेडी कट कर लिए हैं आपका समय बचाने के लिए। तो चलिए, आप स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे, स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे तीनों स्विच के। तो इस तरह जो है स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद हम एक छोटा टुकड़ा वायर और ले लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इतना लंबा लेंथ और इस साइड इतना छोटा लेंथ, हम वायर को क्यों छीले हुए हैं आप लोगों को ये भी बता देते हैं। जैसे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे आप देख सकते हैं यहाँ पर कनेक्ट किए हुए हैं तीनों टर्मिनल पे, हम एक वायर को शॉर्ट कर दिए हैं। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा वाला वायर है, इसके नीचे वाले टर्मिनल पे हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पर। तो इस वायर को हम मेजरमेंट लेके पहले से ऑलरेडी कट कर लिए। आप देख सकते हैं यहाँ से इस तरह हम मेजरमेंट लेके इस तरह कट कर लिए। अब इसके नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर लेंगे। इसका जो दूसरा वाला सिरा है, इस सिरे को हम इस स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर लेंगे। नीचे वाले सिरे पे कनेक्ट कर लेंगे। अब यहां पर हम एक छोटा टुकड़ा वायर और ले लेते हैं। इसे जो है स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से कनेक्ट करके इंडिकेटर के एक टर्मिनल पे हम कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह हमारी जो है इनपुट की वायरिंग कनेक्ट कर लेंगे। तो हमारी जो इनपुट की वायरिंग है वो कंप्लीट तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं। तो आप लोगों को भी इसी तरह स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करना है, और यहाँ से नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर लेना है, और इंडिकेटर के एक टर्मिनल पे हम फेस वायर को कनेक्ट करेंगे डायरेक्ट। इसे डायरेक्ट बोलते हैं, जो हमारे इनपुट होता है। और आउटपुट जो है वो यहाँ से जब स्विच को ऑन करेंगे, तो जैसे हमारे होल्डर बल्ब में या स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से लेकर जाएंगे, तो जो हमारे सॉकेट है, सॉकेट के एल वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। इसे आउटपुट कनेक्शन बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। तो आउटपुट से जब सप्लाई निकल के जाती है तो हमारे सकते हैं, तो जो हमारे आउटपुट की वायरिंग है वो करना भी बाकी है। तो चलिए, आउटपुट की वायरिंग हम कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम एक छोटा टुकड़ा वायर ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं एक छोटा टुकड़ा वायर है, और इस छोटे टुकड़े वायर को हम स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। स्विच के अब यहां पर सॉकेट के एल वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर लेंगे, सॉकेट के एल वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर लेंगे। तो
आउटपुट की वायरिंग इस तरह आप लोगों को कर लेना। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से लेकर गए हैं, एक सॉकेट में कनेक्ट कर दिए। अब यहाँ पर हम एक छोटा टुकड़ा वायर और ले लेंगे और इस छोटे टुकड़े वायर को इस तरह कनेक्ट कर लेंगे, स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से लेकर आएंगे, सॉकेट के एयर वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर लेंगे सॉकेट में। अब यहां पर जो है हमारी फेस की वायरिंग हो गई है। फेस की वायरिंग के लिए हम स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से एक होल्डर में कनेक्ट करेंगे वायर, एक छोटा टुकड़ा वायर और ले लेंगे और स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से एक वायर होल्डर में कनेक्ट करेंगे फेस वायर। फेस वायरिंग जो है हमारी कंप्लीट तैयार हो गई है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह आप लोगों को भी फेस वायरिंग कर लेना। तो चलिए अब न्यूटन की वायरिंग हम करते हैं। तो न्यूटन की वायरिंग करने के लिए हम ले लेंगे एक बड़ा वायर और एक छोटा टुकड़ा वायर ले लेंगे और इस दोनों वायर को हम एक में कनेक्ट कर लेंगे इस तरह। सॉकेट के न्यूटन वाले टर्मिनल पे हम कनेक्ट कर देंगे और इस सॉकेट के न्यूटन वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। उसके बाद जो दूसरा वाला सिरा है इस वाले न्यूटन वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे सॉकेट के। चलिए सॉकेट के न्यूटन वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर लेते हैं। अब यहां पर जो है हमारे पास दूसरा वाला टर्मिनल बच जाता है होल्डर के। होल्डर के टर्मिनल पे दूसरा वाला सिरा वायर का जो है वो कनेक्ट करेंगे। यहां पर भी एक छोटा टुकड़ा वायर ले लेंगे और इस वायर को हम इस तरह इस होल्डर से इस इंडिकेटर तक कनेक्ट कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं इस तरह यहां से कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए दोनों वायर को हम एक में कनेक्ट कर लेते हैं। पर जो है हमारी न्यूटन की जो वायरिंग है वो कंप्लीट तैयार हो गई है। आप लोग देख सकते हैं जो न्यूटन की वायरिंग है वो भी कंप्लीट तैयार हो गई है। हमारी बोर्ड की वायरिंग कंप्लीट तैयार हो गई है। मेपर से दो वायर आते हैं न्यूटन और फेस, वो कहां पर कनेक्ट करेंगे इस बोर्ड में। बोर्ड बनाने के लिए तो हम बना लिए, तो चलिए दो वायर ले लेते हैं। तो देखिये ये दो वायर है और इसमें से जो ब्लू वाला वायर है ये न्यूटन है और येलो वाला वायर जो है वो फेस है। अब ये दोनों खम्भे पर से आए हुए हैं और दोनों वायर को हम बोर्ड के अंदर कनेक्ट करना है। तो चलिए तो जो हम यहां पर हम कहीं पर कनेक्ट कर सकते हैं, तो न्यूटन को हम न्यूटन वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे, यानी जो ब्लैक वाला वायर है वहां पर कनेक्ट करेंगे। इसीलिए हम कलर वाइज वायर किए हुए हैं। जो हमारा न्यूटन है वो ब्लैक है, इसलिए हम ब्लैक वायर से कनेक्ट किए हुए हैं। आप किसी भी वायर से कनेक्ट कर सकते हैं, बस आपकी वायरिंग आनी चाहिए। तो यहां पर हम ब्लैक वायर के साथ में न्यूटन को कनेक्ट कर दिए हैं। अब हम फेस वायर के साथ में कनेक्ट कर देंगे। तो आप स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, यहां पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, यहां पर भी इस स्विच के और नीचे भी दो स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम कहीं पर भी इस फेस वायर को जो खम्भे पर से आया हुआ है इसे कनेक्ट करेंगे तो हमारे सारे स्विच में सप्लाई पहुंच जाएगी आसानी से। जैसे हम इस स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिए और जैसे खम्भे पर से लाइट जैसे सप्लाई पावर सप्लाई आएगी हमारे खम्भे पर से तो हमारे सारे स्विच में सप्लाई आ जाएगी। देखिए इस स्विच में भी आ जाएगी और इस स्विच में आ जाएगी, यानी जब सारे स्विच में लाइट आ जाएगी तो हमारे सारे सॉकेट में जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे हमारे बल्ब में आराम से लाइट पहुंच जाएगी। तो आप लोगों को जो खम्भे पर से वायर आया हुआ है आप लोगों को वायर कनेक्ट करने आ गया होगा। तो चलिए अब इस बोर्ड को हम सीधा कर लेते हैं। तो यहां पर हम बोर्ड को सीधा कर लिए हैं। तो अब इसमें हम एक बल्ब को कनेक्ट कर लेते हैं। अब इस बल्ब को हम इस होल्डर में कनेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद इसमें हम मेन पावर सप्लाई को कनेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए मेन पावर सप्लाई, जैसे मेन पावर सप्लाई को हम कनेक्ट करेंगे तो हमारा जो इंडिकेटर है यहां पर इंडिकेटर
ग्लो करने लगेगा यानी जलने लगेगा, आप देख सकते हैं। देखिए तो हमारे बोर्ड में सप्लाई आ गई है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा पांच स्विच और दो 3 पिन सॉकेट, एक इंडिकेटर, एक होल्डर बल्ब की वायरिंग कैसे करें। तो चलिए अब यहां से हम स्विच को ऑन करते हैं। जैसे स्विच को ऑन करेंगे हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं हमारा बल्ब ऑन हो गया। अब यहां पर हम ले लेते हैं एक होल्डर और एक बल्ब। तो देखिए ये होल्डर है और एक बल्ब ले लेते हैं, एक बल्ब ले ली। अब यहां पर हम सॉकेट को चेक करेंगे हमारी जो सॉकेट है वो सही है कि नहीं है। तो जैसे हम सॉकेट में दोनों होल्डर बल्ब को यहां पर कनेक्ट कर लेते हैं। अब यहां से स्विच को जैसे हम ऑन करेंगे, देखिए हमारा जो बल्ब ऑन हो गया यानी हमारी ये सॉकेट सही है। हम दूसरे सॉकेट को इसी तरह चेक कर लेंगे। स्विच को जैसे हम यहां से ऑन करेंगे तो देखिए हमारा बल्ब ए भी ऑन हो गया। तो यानी हमारी दोनों स्विच जो है सही है और हमारा बोर्ड भी सही है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जो लोग नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को ऑल कर दीजिएगा ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए। जब भी हम नई वीडियो बनाएं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे नए कनेक्शन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।